Good noon, my dear students. Now I will start to the today's topic is diptera. Di means two, pera means two wings. So here is the two pairs of wings are present in their body. पहला ही main character है, two pairs of wings are present. But in some animals, कुछ animals के case में, जैसे suppose that we are talking about the housefly, Musca domestica के case में, you will find out only the one pair of wings. एक pair wings आपको दिखेंगे. बट वन पेयर ऑफ विंग्स इज रिड्यूस्ड, हाइंड पेयर इज रिड्यूस्ड, जिसको हेल्टर्स बोलते हैं. वन पेयर क्या हो जाता है? रिड्यूस्ड हो जाता है. वन पेयर इज रिड्यूस्ड. तो वी विल टॉक अबाउट दिस डिप्टीरा. डिप्टीरा इज ए, इट ऑल्सो कम्स अंडर टू द इंडोटेरिगोट्स. ये इंडोटेरिगोट्स के अंतर्गत आता है ये भी. दिस इज ऑल्सो कमिंग अंडर टू इंडोटेरिगोट्स. नाउ वी स्टार्ट टू द कम टू द पॉइंट्स एंड पॉइंट वाइज. मक्खी आपने देखी होगी, बहुत अच्छी तरह से मक्खी देखी होगी. And that is coming under to this diptera. So मक्खी जो है, मक्खी है, mosquitoes है, ठीक है. Everything they are in our surroundings and you have seen to all these things. आपने सारी चीज़ें ये देखी हैं and they are coming under to this order. इस order के अंतर्गत ये आती है, ठीक है. और तो now we'll talk about to each and everything, right? आपके test का result जो है तैयार है, बिल्कुल तैयार है. इस क्लास के बाद मैं उसको आपके ग्रुप में डिस्प्ले कर दूंगा, देख लीजिएगा. उसमें क्या देखना क्या है आपको, जो कॉलम पहला तो आपका सबमिट होगा, डेट होगी जो आपने सबमिट किया है पहले कॉलम में. सेकंड कॉलम में आपने टोटल स्कोर होगा आपका. तीसरे कॉलम में आपका नाम होगा. तो नाम से पहले वाला कॉलम आपको चेक करना है. कुछ बच्चे नाम के बाद का कॉलम चेक कर रहे हैं, यहाँ 00 दिखा रहे हैं, वो नहीं देखना आपको, क्योंकि नेम के नंबर आपको नेम से पहले टोटल स्कोर वो देखना है, ठीक है. देखेंगे आप, कुछ लोगों के अच्छे नंबर ऐसे हैं पूरे पूरे, किसी के कम भी होंगे. तो जिसके कम है वो मेहनत करें और जिसके ज़्यादा है वो और मेहनत करें अगले टेस्ट के लिए. तो नाउ स्टूडेंट्स, द डिप्टीरा कंप्राइज, वी विल कम टू पॉइंट वाइज इन मैनर. द डिप्टीरा कंप्राइज इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट इंक्लूडिंग द कॉमन फ्लाइट्स, मॉस्किटोज, ग्नेट्स, मीडेज एंड कैरेक्टराइज बाय द पोजिशन ऑफ ओनली द विंग्स. Now, 1 minute is तो now students, they are the mesothoracic pair of wings. This is very important point. The mesothoracic pair of wings are present in the. These are characterized by common fly. इतनी मक्खियां हैं, ठीक है. मक्खियों में हेल्टर्स निकालते थे हम लोग, माउथ पार्ट निकालते थे मक्खी का. प्रैक्टिकल्स की स्ट्रक्चराइज होती थी हमारी. तो जो एक सॉर्ट स्ट्रक्चर द हाइंड विंग्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. एक नंबर में आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, एक या दो नंबर में. हाइंड विंग्स आर रिड्यूस्ड टू ए पेयर ऑफ सॉर्ट नोब्ड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड हेल्टर्स. छोटा सा होता है हेल्टर जो है, कि मैं हेल्टर को आपको यहाँ पर दिखाऊँ, हेल्टर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बताऊँ, तो एक छोटा सा ऐसा नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है. दिस इज द हाइंड विंग्स ऑफ मॉस्किटो. ये जो है Musca domestica के केस में आपको हाउस फ्लाई से हम निकालते थे हाइंड विंग्स. तो दिस इज कॉल्ड हेल्टर. तो व्हाट इज हेल्टर? योर आंसर इज हेल्टर इज द रिड्यूस्ड पेयर ऑफ हाइंड विंग्स. हाइंड विंग्स का जो रिड्यूस्ड पेयर है जो है, दैट इज कॉल्ड द हेल्टर, ठीक है. किस में पाया जाता है? हाउस फ्लाई में पाया जाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो नाउ यू विल सी ओनली दैट पार्ट. आपको वही पार्ट दिखेगा जो हाइंड विंग्स का होगा, और आपको फोर विंग्स का पार्ट आपको दिखेगा, हाइंड विंग्स आपको नहीं दिखेंगे मक्खी. द अडल्ट एंड लार्वी, अब आप देखेंगे तो अडल्ट एंड लार्वी, यहाँ पर आपका हेल्टर तो मैं नहीं दिखा सकता आपको. दिस इज द माउथ पार्ट ऑफ योर हाउस फ्लाई. ये तो मच्छर के हैं, ये इनकी स्लाइड बनानी होती है, मच्छर की स्लाइड बनानी होती है इसकी. दोनों की स्लाइड बनती है, मेल एंड फीमेल मच्छर की, कैसे बनेगी इसकी भी बनती है माउथ पार्ट्स की. तो आई विल टॉक अबाउट टू ऑल दिस थिंग्स आल्सो. सो नाउ स्टूडेंट वी विल कम टू द पॉइंट्स हियर इज ए. नाउ द अडल्ट एंड लार्वी हैव ए वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स. मतलब दे आर फाउंड इन एवरीवेयर, हर जगह आपको ही पाए जाएंगे. दैट मीन्स देयर डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ देयर हैबिटेट इज वेरिएबल. तो उनकी हैबिट्स में भी वेरिएबल है, डाइवर्सिटी है जो है लार्वा में भी और अडल्ट में भी. And their mouth part are adapted for piercing and sucking type.
जैसे मॉस्किटोज के केस में कहेंगे हम, मॉस्किटोज के केस में जो भी पार्ट्स होते हैं पियर्सिंग सेकिंग टाइप होते हैं एंड ग्रेस रेस्टिंग एंड लैपिंग टाइप एंड सच टाइप माउथ पार्ट्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ हाउस फ्लाई आल्सो एंड इन सब रबर फ्लाइज एंड बटर फ्लाइज दे आर वेस्टिजियल। उस फ्लाइज के केस में क्या होते हैं, दीज माउथ पार्ट्स आर वेस्टिजियल, वेस्टिजियल होते हैं माउथ पार्ट, मतलब दैट मीन दे आर रिड्यूस्ड। देन वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट्स, सम ऑफ देम आर प्रेडेसियस, कुछ तो आपके प्रेडेसियस होते हैं, अदर्स आर ब्लड सकिंग, द मॉस्किटोज आर ब्लड सकिंग, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, एंड यट द अदर्स फीड ऑन नेक्टर, सम आर फीड ऑन द प्लांट सैप या डिकेइंग एनिमल्स एंड वेजिटेबल मैटर। तो इन टर्म्स ऑफ फूड एंड फीडिंग हैबिट्स, इन टर्म्स ऑफ फीडिंग हैबिट्स यू विल ऑल्सो फाइंड आउट ए डाइवर्सिटी इन देम। फूड एंड फीडिंग के हैबिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्या मिलेगी, डाइवर्सिटी मिलेगी इनके केस में। कुछ जो है सम सम आर दी ब्लड सकिंग, कुछ ब्लड सक करते हैं एंड सम आर दी ब्लड सकिंग एंड सम आर दी एंड सम आर ब्लड सकिंग, कुछ तो ब्लड सक करते हैं भाई, सीधे सीधे बात है, एंड सम आर फीडिंग ऑन दी डिकेइंग एंड डेथ मैटर्स ऑफ द एनिमल्स एंड वेजिटेबल मैटर्स। जैसे फिश आप जैसे उसके केस में देखेंगे, फ्लाई के केस में देखेंगे, एंड दे मॉस्किटोज, मॉस्किटोज दे आर दी ब्लड सकिंग, मॉस्किटोज क्या होते हैं वो ब्लड को सक करते हैं। आई थिंक दैट यू गॉट इट। नाउ एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, एक नंबर का क्वेश्चन, मैगट्स क्या होते हैं, तो मैगट्स आर दी लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई के लार्वा या डिप्टीरियन लार्वा जो होते हैं उस डिप्टीरियन लार्वा को जो है मैगट्स बोलते हैं। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आज की डेट में, ऑब्जेक्टिव यही मिलते हैं आपको, तो मैगट्स इज दी लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई। जब मैं आपका टेस्ट लूंगा, इस डिप्टीरिया का टेस्ट लूंगा, जैसे कल टेस्ट लिया था मैंने, ऐसे ही थोड़ा सा आप लोगों का रिस्पॉन्स कम हुआ था उसमें, 78 या 82 लोग पार्टिसिपेट किए नियर अबाउट शायद, जो है 78 ने तो हैंड ओवर किया था, 82 टोटल रिस्पॉन्स आए होंगे ऑन टाइम जो है, या कुछ लोग कर नहीं पाए, तो नेक्स्ट टाइम मुझे विश्वास है कि सारे लोग 162 रजिस्टर्ड हुए हैं अभी लोग, आज सभी लोग करेंगे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देंगे वहाँ पर। तो मैगेट्स क्या है, मैगेट्स इज दी लेगलेस लार्वा ऑफ डिप्टीरियन, डिप्टीरिया के लार्वा को आप क्या बोलते हो, मैगेट्स बोलते हो। यूजली दे मॉइस्चर लविंग, these larva, the larva of these diptyrian larva are moisture loving, maybe they are parasite on the insect, insect पर parasite जैसे technetids है और human beings case में HN by mysis, mysis क्या होती है, it is infestation, mice जो है mice infestation होता है, infestation मतलब जिसमें बहुत large number पर उनका number जो है बढ़ जाएगा, एक होता है infection, एक होता है infestation, infestation word जहाँ भी आएगा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, इन्फेस्टेशन वर्ड जहाँ आता है पेस्ट के लिए आता है, पेस्ट जहाँ जो भी पेस्ट, जैसे जो पेस्ट क्या करेगा, किसी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देगा या किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगा और डिस्ट्रॉय करने के बाद अपने नंबर को इंक्रीज कर देगा, तो उसका जो डिस्ट्रॉय करने का तरीका है उस पेस्ट का, दैट इज अ इन्फेस्टेशन। और जैसे पैरासाइट है, बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बन सकता है, इन्फेस्टेशन और इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन रिलेटेड टर्म्स, दैट इज इन टर्म्स ऑफ बैक्टीरिया वायरस एंड दैट इज अ इन्फेक्शन, एंड इन्फेस्टेशन इज हाउ दे डैमेज टू अवर क्रॉप्स, हाउ दे डैमेज दिस पेस्ट, पेस्ट जैसे डैमेज कर रहे हैं, तो यहाँ इज द माइसिस, माइसिस इज ए वर्ड, ए गॉल प्रोड्यूसिंग, गॉल प्रोड्यूसिंग सिगिडोमाइलिट्स एंड प्रेडेसियस इन द लार्वा ऑफ सर्पिड्स, दे आर द शोइंग द होवर फ्लाइज एंड अदर थिंग्स प्लस फ्लाइज एंड सार्कोइड। देन वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द वेक्टर, देखिए बहुत ही, because these flies are not good for us, many times they are not good for us, and if we forget about the Indian pollination habit, pollination habit ko hum bhul jate hain to acche nahi hai, kyun nahi hai, because these group of the flies of this group, this diptyrian group, they are carriers of many disease, kai carriers hote hain kai disease, jaise kya hai, they cause the malaria ko cause karenge, theek hai, because the anopheles, female anopheles is the carrier of your Plasmodium vivax, Plasmodium species, Plasmodium is a protozoan parasite that causes the malaria, aise filaria hota hai aapka, that is called by Bucheria bancrofti, Bucheria bancrofti, theek hai, it is played pretty helminthes and done by the Culex marker, aise dengue ka machhar hai, dengue virus, theek hai, kala azar and Leishmania donovrai and black fever is kala azar like, and sleeping sickness, Trypanosoma cambriens, Glossina palpiens. So now these all the most of the disease which are coming in humans, jo adhikansh ka bimariyan humans ko hoti hai, and their carriers are these flies, ye
फ्लाइज जो होती है इनकी कैरियर होती है मोस्टली, ठीक है। नाउ द हेड ऑफ अडल्ट, नाउ वी विल कम टू द हेड ऑफ द अडल्ट डिप्टीरा। ये जो अडल्ट डिप्टीरा के हेड है इज लार्ज एंड फ्रीली मूवेबल एंड मोस्ट ऑफ इट ऑक्यूपाइड बाई द कंपाउंड आईज विच इज लार्जर इन मेल्स। जिन ध्यान दीजिएगा, आई विल शो यू, दिस इज अड पार्ट ऑफ दिस फ्लाइज। फ्लाइज का ये क्या है, दिस इज अड पार्ट ऑफ फ्लाइज। फ्लाइज का हेड पार्ट है ये। आपका कॉलेज खुलेगा तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में आप एक मक्खी लेके आओगे, आप एक ये काम करोगे, आप एक स्लाइड बनाओगे, मक्खी की स्लाइड आपको बनानी होगी, एक इसकी स्लाइड बनाओगी, बाद में ये एग्जाम में भी आपको दे देंगे। तो ये क्या है आपका, ये जो माउथ पार्ट्स हैं, ठीक है, रेस्पिंग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, दीज आर दी माउथ पार्ट्स ऑफ योर हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई के माउथ पार्ट्स हैं। एरिस्टेट एंटीना, ये देखिए यहाँ पर, ये एरिस्टेट एंटीना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरिस्टेट एंटीना, एरिस्टेट एंटीना यहाँ पर पाया जाता है। दीज आर द ऑसिलाई, दीज आर सिंपल आइज, ये तीन सिंपल आइज देख रहे हैं आपको, एंड दीज आर दी कंपाउंड आइज, एंड इज कंपाउंड आइज मेड अप ऑफ ए ओमेटिडियम। ओमेटिडियम इज द यूनिट ऑफ कंपाउंड आइज। इसके बाद बच्चों आपको क्या दिखेगा, कई चीजें दिखेंगी, यू विल फाइंड आउट हियर ए लॉट ऑफ थिंग्स। दिस इज कॉल्ड द रोस्टम, दिस इज रोस्टम, दीज आर द मैक्सिलरी पाल, एंड दिस इज द क्लाइपस। क्लाइपस, क्लाइपस बहुत पढ़ रहे थे तुम आज, यहाँ अच्छी तरह से दिख गया तुमको क्लाइपियस, ठीक है। एंड दिस इज योर फेरिक्स, फेरिक्स रीजन, एंड दिस इज स्टाइप्स, दिस आर द स्टाइप्स, एंड दिस इज द प्री फेरिक्स रीजन, एंड प्री फेरिक्स लेब्रम, इपीफेरिक्स लेब्रम एंड हाइपोफेरिक्स, ये ऊपर वाला हो गया इपीफेरिक्स, ये हो गया हाइपोफेरिक्स। नाउ ओके, दिस इज लेबियम, ये लेबियम है आपका, दिस इज आर द लेबियम, एंड दिस इज योर, दिस इज द माउथ ऑफ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का ये माउथ है। दीज आर द स्यूडोट्रेकिया, ठीक है, स्यूडोट्रेकिया और लेबिला होते हैं, ये लेबिला, इसीलिए रेस्पिंग टाइप का, रेस्पिंग टाइप वर्ड पीछे आया है, तो इन्हीं से ये ट्रेकिया से ही रेस्पिंग करता है। और ये जब हम इसी के माउथ पार्ट्स की बात करते हैं, तो ये पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप आ जाए। फीमेल्स के केस में देखो आप, इसके केस में, इसमें केस में। अब एक क्वेश्चन हम आपसे यहाँ पर, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम लोग बेसिकली प्रैक्टिकल्स में भी पूछते हैं कि मॉस्किटोज, फीमेल मॉस्किटोज और मेल मॉस्किटोज को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो हम उनके माउथ पार्ट्स के बेस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पर देखो, ये प्लीमोस टाइप के एंटीना पाए जाते हैं, या पाइलोस टाइप के एंटीना, जो बुसी हेयर्स जिसमें होंगे, जिसके एंटीना में बुसी हेयर्स होंगे वो मेल होगा, और जो फीमेल होगी उसमें बुसी हेयर्स नहीं होंगे, इसको प्लीमोस टाइप बोलते हैं, इसको पाइलोस टाइप। और दूसरी बात जो है, ये नहीं करता है ब्लड सर मेल एनाफ्लीज, केवल फीमेल करती है, क्योंकि पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट, इसमें इसके माउथ पार्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो ये नेक्टर, नेक्टर से जो फीट करता है, ये नेक्टर से फीट करता है। देन वी विल कम टू टू आवर एक्सरसाइज पार्ट। नाउ स्टूडेंट, द हेड ऑफ दीज एनिमल्स, द हेड ऑफ दीज इंसेक्ट इज लार्ज। हेड कैसा होता है इनका, लार्ज होता है, एंड फ्रीली मूवेबल, एंड इट इज फ्रीली मूवेबल, एकदम मूवमेंट कर सकते हैं 180 डिग्री पर। एंड एंड वन थिंग पॉइंट, द सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मेल्स का जो हेड होगा, जो मेल्स का हेड होगा एज कम्पेयर टू फीमेल्स, इट इज लार्ज। मेल्स का हेड बड़ा होता है फीमेल्स के ऊपर। द नेक्स्ट पॉइंट, दे द आईज में भी होलोप्टिक, आईज कैसी होती हैं, होलोप्टिक होती हैं, कंटिन्यूस होती हैं, और डिस्टिंक्टली सेपरेट, एंड जब बिल्कुल दोनों आईज सेपरेट होंगी, सेपरेट होंगी, तो देन व्हाट इज द डाइकोप्टिक, ठीक है। डाइकोप्टिक का मतलब, व्हेन द आईज, दीज कंपाउंड आईज आर सेपरेट, व्हेन दीज कंपाइंड आईज, कंप्लीट कंपाउंड आईज, तो देन इट इज होलोप्टिक। होलोप्टिक एंड डाइकोप्टिक जो है कंपाउंड आईज होती हैं। आई थिंक द ऑसिलाई, ऑसिलाई क्या होती हैं, ऑसिलाई आज दी सिंपल आईज, दे आर अरेंज इन ए ट्राइंगल। अभी आपने हाउस फ्लाई के केस में देखा, एक त्रिभुज जैसा बना रहे थे वो, आपको मैं फिर वहीं पर ले चलता हूँ। ये नाउ दीज आर द ऑसिलाई, दीज थ्री ऑसिलाई फॉर्म्स ए ट्राइंगल लाइक स्ट्रक्चर, राइट। तो दीज ऑसिलाई फॉर्म्स ए ट्राइंगल, यूजली प्रेजेंट्स बिटवीन ए लिटिल बिहाइंड द कंपाउंड आइज, दे आर बेसिकली, दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन। देन वी विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इन सम स्पेशलाइज डिप्टीरा, इन सम स्पेशलाइज डिप्टीरा, कुछ जो स्पेशलाइज डिप्टीरा के मेंबर्स हैं, देयर इज ए डिस्टिंक्ट इनवेंटेड यू लाइक फ्रंटल सूचर, ठीक है। जस्ट एंटीना, एंटीना के ऊपर एक फ्रंटल यू लाइक क्या होता है, जो ये आपके ये एरिस्टेट एंटीनी है, इसके ऊपर एक यू लाइक सूचर होता है। इन स्पेशलाइज केस में, यहाँ पर नहीं हो रहा है, एक इन स्पेशलाइज केस में यू विल फाइंड आउट ए यू लाइक सूचर, ठीक है। एंटीना के ऊपर आपको क्या मिलता है, यू लाइक सूचर, यू विल फाइंड आउट ए यू लाइक फ्रंटल सूचर जस्ट अबव द एंटीना। इन द टेंटोरियम, अब आता है कि टेंटोरियम, तो टेंटोरियम क्या है, इट इज अ इंडोस्केलेटन पार्ट ऑफ द हेड। हेड का जो इंडोस्केलेटन पार्ट है, जो इट प्रोवाइड द फ्रोमर, तो द बॉडी इज रिड्यूस्ड एंड देयर आर थ्री पेयर्स ऑफ टेंटोरियल आर्म्स। तो टेंटोरियल आर्म्स कितने होते हैं, ओनली थ्री पेयर्स ऑफ टेंटोरियल आर्म,
हेड कैरी सेवरल वेल डेवलप्ड ब्रिस्टल्स, ब्रिस्टल कई प्रकार के ब्रिस्टल्स को हेड लेके चलता है। मैं आपको दिखाता ही हूँ आपको, ये देखिए ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं दीज आर दी ब्रिस्टल्स, ठीक है। ये छोटे छोटे आपको जो है ये दिख रहे हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर दी ब्रिस्टल्स, ठीक है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर द ब्रिस्टल्स। तो नाउ स्टूडेंट्स विल कम टू द पॉइंट, ओके। तो द हेड ऑल्सो कैरीज सेवरल वेल डेवलप्ड ब्रिस्टल्स, द नंबर एंड अरेंजमेंट विच आर क्लासिफैक्ट्री वैल्यू। इसकी क्या है, क्लासिफैक्ट्री वैल्यू है। जो फेशियल, फ्रंटल, फ्रंटो ऑर्बिटल, लेटरल, फेशियल, ऑसिलर, वेटिकुलर, विब्रेसिव ब्रिस्टल्स, ये डिफरेंट टाइप के अरिस्टा, ठीक है। ये अरिस्टा आप यहाँ पर देख रहे हो, आपको जैसे हाउस फ्लाई के केस डिफरेंट टाइप के मिलेंगे आपको। जैसे हाउस फ्लाई के केस में यू विल फाइंड ओवर द अरिस्टा, हाउस फ्लाई के केस में ये निकालना पड़ता था बच्चों, इसका वो बनाना पड़ता है, स्लाइड बनानी पड़ती है। दिस इज द अरिस्टा, इतना ही एंटीना निकाल के इसकी इसकी स्लाइड बनती है। दिस इज द अरिस्टा, ठीक है, इट इज अरिस्टा। तो जस्ट लाइक दीज ब्रिस्टल्स आर प्रेजेंट, ब्रिस्टल्स आर प्रेजेंट इन द हेड रीजन, इन द हेड रीजन ऑफ दीज डिफरेंट इंसेक्ट। किसी में अरिस्टा होंगे, किसी में कुछ होंगे, किसी में कुछ होंगे। तो दे ऑल्सो शो दी डाइवर्सिटी, ये भी क्या करते हैं, डाइवर्सिटी को शो करते हैं, दे आर शोइंग ए डाइवर्सिटी। तो नाउ द एंटीनी ऑल्सो शोज अ ग्रेट डाइवर्सिटी। देखिए किसी में फेशियल, किसी में अरिस्टा, किसी में कुछ, किसी में इन द फॉर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज दीज एंटीनी लाइक स्ट्रक्चर्स, एंटीनी लाइक स्ट्रक्चर यू कैन क्लासीफाई टू दीज इंसेक्ट। इन इंसेक्ट को आप डिफरेंट फैमिलीज में, सब ऑर्डर्स में, देन यू कैन क्लासीफाई इट ईजिली ऑन द बेसिस ऑफ दियर एंटीनीज, ठीक है। 3 to 40 सेगमेंट्स, कभी कभी बार तो यहाँ पर 3 से 40 सेगमेंट, तो यू विल फाइंड आउट एंटीनी आर 3 से 40 सेगमेंट तक की एंटीनी आपको मिल जाती है। देन यू विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इट इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल सेगमेंट्स इन निमेटोसेरा। निमेटोसेरा क्या है, एक सबऑर्डर है इसका। उसमें क्या होते हैं, ये जो एंटीनीज होते हैं, ये मतलब एक नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल, दे आर मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल सेगमेंट्स और स्मॉलर नंबर इन डिसिमिलर सेगमेंट्स, या तो स्मॉलर नंबर में होंगे और डिसिमिलर होंगे, ठीक है, और दे आर स्मॉलर इन नंबर एंड डिसिमिलर इन। दिस इज ए ब्रेक्योसेरा, ब्रेक्योसेरा भी एक सबऑर्डर है। देयर आर 2 or 3 बेसल सेगमेंट्स, इसमें 2 या 3 बेसल सेगमेंट्स होंगे, कैरिंग ए टर्मिनल फ्लैजिलम लाइक जॉइंटेड अपेंडेज, और ये क्या करते हैं, टर्मिनल जॉइंटेड फ्लैजिलम लाइक, फ्लैजिला लाइक अपेंडेजेस को दे पिकअप, विच में बी वेरी थिन एंड स्लेंडर एंड कॉल द अरिस्टा, जो बहुत ही छोटा सा स्लेंडर लाइक और क्या होता है, अरिस्टा होता है। बच्चों देखो ध्यान से, आप नोट कर लीजिए, ये कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ, आएगा क्या आई डोंट नो अबाउट दैट, बिकॉज आई एम नॉट सेटिंग सेटिंग योर पेपर, मैं आपका पेपर सेट नहीं कर रहा हूँ, बट बींग एज ए टीचर क्या इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग कुछ तो आवाज हो ही जाता है, जैसे आपको होता है, तो ये अरिस्टा आपसे पूछ सकता है, अरिस्टा भी आपसे पूछ सकता है कि अरिस्टा क्या है। तो अरिस्टा इज एंटीनी, अरिस्टा इज एंटीनी विच इज प्रेजेंट इन द हाउस फ्लाई, विच इज प्रेजेंट इन द हाउस फ्लाई, एंड यू कैन एक्सप्लेन टू दिस वन, यू कैन एक्सप्लेन दिस वन, इट इज ए 3 बेसल सेगमेंट, हाउ मेनी सेगमेंट इन अरिस्टा, तो योर आंसर इज 3, एंड ए टर्मिनल फ्लैजिलम लाइक जॉइंटेड अपेंडेज, ए टर्मिनल फ्लैजिलम लाइक जॉइंटेड अपेंडेज, इट हैज इज अरिस्टा हैज 3 सेगमेंट, 3 सेगमेंट होंगे इस अरिस्टा के पास, एंड द टर्मिनल फ्लैजिलम लाइक स्ट्रक्चर, टर्मिनल फ्लैजिलम लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड इट इज थिन एंड स्लेंडर, थिन होता है, स्लेंडर होता है, अरिस्टा एच इन केस ऑफ द साइक्लोराइपा, और ओनली एटीन्यूटेड नॉट वेरी थिन, जब ये बहुत थिन होता है, ओनली एटीन्यूटेड नॉट वेरी थिन, दैट इज कॉल्ड द स्टाइल। स्टाइल कब कहते हैं इसको, जब ये एटीन्यूटेड होता है। अब आप कहोगे एटीन्यूटेड क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एटीन्यूटेड को आप कैसे समझेंगे। आपने कोई पौधा लगाया, ठीक है, आपने एटेनेशन को मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, आपने लहसुन लगाई होगी अपने, लहसुन खाने का टाइम होगा, लहसुन को लगाने के बाद आप क्या कर देते हो, कि लहसुन का जो ऊपर का पार्ट है उसको बांध के बांध देते हो, ताकि आप ग्रोथ उसकी रुक जाए और नीचे आपके जो लहसुन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए, तो दैट इज कॉल्ड द एटेनेशन। एटेनेशन का मतलब उसको रोक देना। अब दूसरा काम आपने क्या किया, कि छोटा सा पौधा बीच में ही रोक दिया, आपने नहीं बढ़ना चाह दिया आपने उसको, तो दिस इज कॉल्ड द एटेनेटेड। तो ओनली एटेनेटेड का मतलब उसके स्ट्रक्चर को रिड्यूस्ड कर दिया गया,
इन दैट केस इट इज कॉल्ड स्टाइन. जब इसको रिड्यूस्ड कर दिया जाता है इन एज इन साइक्लोराइफा के केस में या ऑर्डिनेटेड, तो देन इट इज कॉल्ड द स्टाइल. स्टाइल क्या है? एक प्रकार का एटीनेटेड स्ट्रक्चर है. व्हाट इज स्टाइल? तो आप कहोगे ये इट इज ए एटीनेटेड स्ट्रक्चर. थिन तो नहीं है, वेरी नॉट वेरी थिन, बट इट इज ए एटीनेटेड स्ट्रक्चर लाइक एंटीनी. ठीक है, एटीनेटेड लाइक थिन स्ट्रक्चर. और एरिस्टा इज वेरी थिन स्ट्रक्चर. एरिस्टा इज वेरी थिन स्ट्रक्चर. आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, स्टाइल एंड एरिस्टा में डिफरेंस. एक नंबर, दो नंबर में, दे अरिस्टा में भी प्लीमोस टाइप पैक्टिनेट स्मूथ. मैं प्लीमोस टाइप आपको दिखाता हूँ. यहाँ पर आप देखेंगे यही अरिस्टा आपको दिख रहे हैं, ये प्लीमोस टाइप है, घुसी अर्स है. ये पाइलोस टाइप है, ये प्लीमोस टाइप है. ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन मेल मेल एन अफ्लीज. दिस अरिस्टा में भी दिस वन ऑल्सो कम से कम 30 से 40 सेगमेंट्स हो सकते हैं इसमें. एंड नाउ दिस एंटीनी हैज ऑल्सो रिटेन्स द घुसी अर्स, प्लीमोस टाइप एंटीना. और पाइलोस टाइप एंटीना द वेन इट इट नॉट रिटेन्स द घुसी अर्स, फीमेल मॉस्किटोज में ही मिलेगा. ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पाइलोस एंटीना एंड प्लीमोस एंटीना, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट द मेल एंड फीमेल मॉस्किटो. तो पैक्टिनेट तो आप जानते हैं, एक तरफ जो है पूरे आरी की तरफ आ जाते हैं स्मूथ. द माउथ पार्ट्स, सो दीज माउथ पार्ट्स हो ऑल्सो वेरिएशन. इनके माउथ पार्ट्स होते हैं, दे ऑल्सो सोज वेरिएशन. जैसे आप इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द मॉस्किटोज, तो यू विल फाइंड आउट द पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप. क्योंकि पहले वो पियर्स करते हैं, मॉस्किटो पहले क्या करता है, सुई जैसे चुभाता है. देन इट सक, फिर ये जैसे होली की आपकी पिचकारी होती है उसकी तरह से ये सक करके ब्लड को सक कर लेता है. तो दिस इज द पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप. और उसमें आपको रेस्पिंग टाइप के माउथ पार्ट्स मिलेंगे, किसमें? हाउस फ्लाई के केस में, क्योंकि हिदियर वहाँ पर आपको जो ट्रेकिया मिलती है, वहाँ पर छोटे छोटे ट्रेकिया मिलते हैं. यहाँ पर आप देखोगे ये छोटे छोटे ट्रेकिया हैं, दीज आर द स्यूडो ट्रेकियाज इन द लेबिलम स्ट्रक्चर. दिस इज लेबिला. इन दिस लेबिला स्ट्रक्चर दीज आर द स्यूडो ट्रेकिया अराउंड टू दी माउथ. तो रेस्पिंग टाइप, तो ये रेस्पिंग टाइप के आपको जो है मिलते हैं. अरिस्टा का मेन इंपॉर्टेंस दीक्षा बट वो होता है, अभी बताएंगे आपको. सारे क्वेश्चन आप नोट कर दो. जो एंटीनी होता है, एंटीनी का मेन फंक्शन होता है सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स आते हैं इनके अंदर, तो उनका फंक्शन है सेंसेशन का. ठीक है, अभी आएंगे, अभी क्वेश्चन आप नोट कर दीजिए. एक्सेप्ट अनाउ स्टूडेंट कम टू दी इन ब्लड सेकिंग निमेटोसीरा. ब्लड सेकिंग निमेटोसीरा एंड ब्रैकियोसीरा दे आर अडेप्टेड फॉर पियर्सिंग. ये निमेटोसीरा के केस में और ब्रैकियोसीरा के केस में क्या होते हैं, दे आर अडेप्टेड फॉर पियर्सिंग एंड आर मोर और लेस ब्लेड लाइक, और छोटे से ब्लेड लाइक भी होते हैं या स्टाइलेट लाइक एक्सेप्ट फॉर द लेबियम एंड पाल. यहाँ पर देखोगे आप ये छोटे से ये ब्लेड लाइक ही होते हैं. ठीक है, ये यहाँ की बात है, लेबियम की बात है, ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर इसी से वो पियर्सिंग करता है. स्टाइलेट लाइक यूजली द मैंडिबल्स आर डिस्टिंक्ट इन फीमेल्स मोस्टली एट द साइड व्यू ऑफ द हेड इन मेल्स. मैंडिबल्स द लेबियम एंड फ्लैटेंड हाइपोफेरिक्स फॉर्म ए क्लोज चैनल थ्रू विच द ब्लड इज सक्ड. देखिए यहाँ पर जो हाइपोफेरिक्स रीजन है, नाउ दिस हाइपोफेरिक्स रीजन फॉर्म से चैनल लाइक स्ट्रक्चर. तो इस चैनल से क्या होगा, ये जस्ट आपकी जो है जैसे पिस्टन होती है, पिस्टन का मतलब आपको होगी पिचकारी तरह. तो ये नाउ इट फॉर्म से चैनल, दिस हाइपोफेरिक्स रीजन फॉर्म से चैनल. आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड इट. अब इसके बाद आप फॉर्म ए चैनल. द लेबियम इज ग्रूव्ड एंड डॉर्सली इज ए क्लोज द सीट. लेबियम आपने देखा अभी हाउस फ्लाई के केस में. देन वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. Now you will see here, these are the structures of this one that I told you. This is the your mosquitoes. अब mosquitoes के केस में भी क्या है, देखो इतना पढ़ने के बाद आपको आ जाना चाहिए, 22 लोगों को तो 22 मतलब आपको 21 को तो आ ही जाना चाहिए. देखिए mosquitoes की बैठने की इस पोजिशन से हम लोग mosquito को पहचान लेते हैं. एक आता है आपका जो है इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है entomology में, एंटोमोलॉजी में ही आती है, हॉर्टिकल्चर में भी आती है इसी एंटोमोलॉजी से रिलेटेड. तो शायद मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, समूह बॉक्स के थ्रू आती है मलेरिया इंस्पेक्टर. उसमें सब ये क्वेश्चन ही आने हैं और क्या आने हैं इसी तरह के. देखिए सपोज दैट दिस इज योर, ये आपका क्या है मॉस्किटोज है. यदि ये मॉस्किटोज आपका एक्यूट एंकिल बना के बैठ रहा है, ध्यान दीजिएगा कैसे पहचानोगे, यदि एक्यूट एंकिल बना के बैठ रहा है तो इसका मतलब आपका वो मॉस्किटो एनाफिलीज है. दूसरे बात है हम माउथ पार्ट्स उसके देख लेते हैं. माउथ पार्ट्स यदि उसके एंटीना में काफ़ी बुसी ईयर्स हैं तो मेल है वो. जैसे आपको जब आप देखोगे आप फ्लावर लावर्स में देखोगे बरसात के दिनों में तो आप कुछ मिलते हैं हमारे यहाँ ज़्यादातर.
और जो छोटी सी फीमेल होती है उसको आप देखोगे तो इसमें पाइलोस टाइप के एंटीना होंगे और वो पियर्सिंग साइंड सकिंग करेंगे। तो ये जो है एक्यूट एंगल। और कुछ मॉस्किटोज क्या होते हैं बच्चों आपके, कुछ मॉस्किटोज सीधे सीधे स्ट्रेट बैठते हैं, जैसे एडीज एजिप्टाई, आपका डेंगू का फीवर का, डेंगू फीवर का। और दूसरा आपका ऐसे ही क्यूलेक्स है, क्यूलेक्स भी आपका स्ट्रेट बैठता है। तो इनकी बैठने की पोजिशन से, ठीक है, इनके सिटिंग अरेंजमेंट से, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिटिंग अरेंजमेंट यू कैन फाइंड आउट, आप पता कर सकते हो कि ये जो है किस तरह से बिहेव करते हैं, हाउ दे बिहेव, राइट। ये कंपाउंड हाइट, थ्री पेयर्स ऑफ द लेग्स, मिजोनोटम, इसको पार्ट को आप मिजोनोटम बोलते हो, दिस इज द पार्ट ऑफ मिजोनोटम। और ये तो पता ही आपको कि कॉक्सा एंड प्रोपोइंटर, फीमर, टीबिया एंड टार्सस, टार्सस सेगमेंटेड, एंड दिस इज द प्रोबोसिस, दिस इज प्रोबोसिस एंड टीबिया। और ये आपको उसके बारे में, विंग्स एंड दिस इज द एब्डोमेन एंड दीज आर द ब्रिस्टल ऑफ थोरेक्स, छोटे छोटे ब्रिस्टल्स होते हैं ये थोरेक्स पे, बाल लाइक स्ट्रक्चर्स। देन इन द थोरेक्स एंड मिजो थोरेक्स ऑलोन इज वेल डेवलप्ड। जो थोरेक्स में जो मिजो थोरेक्स का पार्ट होता है, मतलब मिडिल थोरेक्स का, दैट इज वेल डेवलप्ड एज कम्पेयर टू प्रू एंड मेटा थोरेक्स। जो मोटा थोरेक्स एंड आपके प्रू थोरेक्स होते हैं, दे आर ऑलमोस्ट, मतलब दे आर रिड्यूस्ड एज कम्पेयर टू दिस मिजो थोरेक्स। एंड कैलोसाइट्स आर वेरी करेक्टरिस्टिक ऑफ द लेटरल साइड ऑफ मेजोनोटम। जो मेजोनोटम है यहाँ पर, इस मेजोनोटम के साइड पर एक कुछ फ्यू स्ट्रक्चर्स, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द कैलोसिटीज, आर वेरी करेक्टरिस्टिक ऑफ द लेटरल साइड ऑफ मेजोनोटम एंड द प्रिंसिपल एरियाज ऑफ द प्री एलर कैलस एट द रूट ऑफ विंग्स। विंग्स के रूट पर जो आपके विंग्स निकल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मेजोनोटम के पास से निकलते हैं, यहाँ के रूट पर यू विल फाइंड आउट सम एलर लाइक प्रोसेस। दीज आर दी प्ली एरल कैलस एट द रूट ऑफ विंग्स, विंग्स एंड ह्यूमरल कैलस एट द एंटीरो डॉर्सल एंगल ऑफ प्री स्क्यूटम। प्री स्क्यूटम दिस इज ए पार्ट ऑफ योर विंग्स, विंग्स के प्री स्क्यूटम, स्क्यूटम, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ योर विंग्स एंड दे फॉर्म्स द सम दीज प्री एलर कैलस लाइक स्ट्रक्चर एंड द पोस्ट एलर कैलस, प्री स्क्यूटम एंड द पोस्ट एलर कैलस एंड द पोस्टीरियर डॉर्सल एंगल ऑफ द स्क्यूटम। स्क्यूटम इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ विंग्स इफ यू रिमेंबर इट। द प्लूरल रीजन, दिस इज ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट द विंग्स पार्ट। द प्लूरल रीजन इज ऑल्सो, द प्लूरल रीजन इज ऑल्सो वेल डेवलप्ड एंड कंसिस्ट ऑफ मेजो प्लूरॉन, द एरिया इन फ्रंट ऑफ द रूट ऑफ विंग्स। विंग्स के रूट के पास दैट एरिया इज नोन एज द प्लूरल रीजन एंड प्लूरल रीजन इज वेल डेवलप्ड। द टीरोप्लूरॉन बिलो द रूट ऑफ विंग्स, रूंग्स के विंग्स के नीचे का जो प्लूरोपोरॉन है एंड द स्टीनोप्लूरॉन अबव द एंटीरियर कॉक्सा, एंटीरियर कॉक्सा के ऊपर, दैट पार्ट इज नोन एज एंटीरियर कॉक्सा, इज ए पार्ट ऑफ योर कॉक्सा, इज ऑल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ योर लेग्स, लेग्स में मिलते हैं, वहाँ भी आपको मिलते हैं अलग अलग सेगमेंट्स में। तो अपर वाला पार्ट आपका दैट इज कॉल्ड नियर टू द कॉक्सा स्टीनोप्लूरियन, और उसके नीचे वाला आपको बोलते हैं आप टीरोप्लूरियन, ठीक है, ये विंग्स के केस में। तो मेटाप्लूरियन लाइंग बिहाइंड द टीरोप्लूरा, टीरोप्लूरिया के पीछे, टीरोप्लूरिया के पीछे, टीरोप्लूरिया के पीछे यू विल फाइंड आउट दिस मेटाप्लूरियन, ठीक है, टीरोप्लूरिया के पीछे यू विल फाइंड आउट दिस मेटाप्लूरियन एंड द हाइपोप्लूरिया, हाइपो मतलब नीचे, द रीजन बिलो द मेटाप्लूरिया एंड अबव द मिडिल ऑफ पोस्टर कॉक्सिस। आपके जो ये हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो ये विंग्स निकल रहे हैं यहाँ पर, तो दे आर टॉकिंग अबाउट टू दीज प्लूरल रीजन्स, इन प्लूरल रीजन्स के बीच में विच आर कमिंग फ्रॉम नियर टू दिस एरिया। देन वी विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इन ब्लड सकिंग, ओके, द कीटोटैक्सी, the ketotaxy of the thorax in particular arrangement of macrocity are the significance of classification. जो ये ketotaxy है and इस ketotaxy क्या होती है, इनके classification के लिए एक important चीज होती है, because this ketotaxy plays a very important role in the classification process, कि किस तरह से उनका arrangement है, wings का arrangement किस तरह से है, और उस विंग के अरेंजमेंट के बेस पर जो है यू यू डिफ्रेंशिएट टू दिस ऑर्डर इनटू डिफरेंट सब ऑर्डर्स। जो भी ब्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, कीटोटैक्सी क्या है, कीटोटैक्सी जो थोरेस्ट में ब्रिस्टल्स होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं,
एग्जाम में व्हाट इज कीटोटैक्सी, तो आप नोट करेंगे, नोट कर लीजिएगा आप, कीटोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिस्टल्स, ब्रिस्टल्स का अरेंजमेंट, जो आपके ब्रिस्टल्स का अरेंजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द कीटोटैक्सी, ठीक है। कीटोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिस्टल्स, ब्रिस्टल्स का अरेंजमेंट कीटोटैक्सी है। एंड दिस कीटोटैक्सी, दिस कीटोटैक्सी बिकॉज पर्टिकुलरली द अरेंजमेंट ऑफ मैक्रोकेटी, मैक्रोसिटी, दीज आर द सिटी लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे सिटी होती हैं आपकी एनलेट्स के केस में भी पाई जाती हैं, तो वैसे ही ये जो है छोटी सी काइटेनियस प्लेट्स होती हैं। तो इन काइटेनियस प्लेट्स का अरेंजमेंट कैसे है, कैसा इनका अरेंजमेंट है, ये जो है डिप्टीरिया के क्लासिफिकेशन को सब ऑर्डर्स और फैमिलीज में डिफ्रेंशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कीटोटैक्सी, कीटोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिस्टल्स, अरेंजमेंट ऑफ ब्रिस्टल्स या अरेंजमेंट ऑफ दीज मैक्रोसिटी, ठीक है। इन मैक्रोसिटीज का ब्रिस्टल्स का अरेंजमेंट कैसा है, ऑन दैट बेसिस यू विल सब डिवाइड टू दिस ऑर्डर इन टू डिफरेंट सब ऑर्डर्स और फैमिलीज, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। Now we will come to the next part. In came in Musca. Musca मतलब Musca domesticus या house fly. Segment 2 to 5 are clear. कम से कम दो से आपके जो है This in legs. Legs के case. In legs, the tarsi are 5 segmented. Tarsus is the last segment, 5 segmented. And the pads of feet are very invarious. जो pad होते हैं tarsus में वो सब क्या करेंगे स्पीसीज में, जेनेरा में, दे आर वेरिएबल। इन विंग्स, एट्रोफी ऑफ क्यूबिटल, विंग्स में जो क्यूबिटल रीजन, बिकॉज इन केस ऑफ विंग्स मेनी रीजन, ठीक है, क्यूबिटल, सबक्यूटल एंड रेडियल रीजन, एनल रीजन, मिडिल रीजन, तो जो क्यूबिटल रीजन होता है जहाँ से विंग्स के प्रॉक्सिमल पार्ट में जहाँ से विंग्स निकलती है, दैट इज द एट्रोफी, मतलब ये एट्रोफी का मतलब है डिजनरेट होना। एंड वेस्टिजियल ऑफ 2A and 3A, दीज आर द पार्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, otherwise they confirm to the primitive hypothetical pattern and chief cross veins are present. Okay, now the free lobe, एक जो free lobe होता है that is called alula, ठीक है, and additional lobe, छोटे छोटे lobe like structure, this is called the alula, squamae, ये भी wings के part है, characteristic of the most reptilian wings on their posterior margin. Posterior margins पे आपसे question पूछ सकता है alula, alula जो एक additional lobe है इसके wings में पाया जाता है alula, तो आपका आंसर होगा डिप्टीरियन विंग्स के या आपके जो मक्खी होती है उसके विंग्स में ये पाया जाता है, क्योंकि आप नाउ द हेल्टर्स, ये क्वेश्चन आ सकता है हेल्टर क्या है, तो आपका आंसर होगा स्टूडेंट कि हेल्टर जो है इट इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ, इट इज रिड्यूस्ड हाइंड विंग, जो मॉस्किटो है डिप्टीरिया के इंसेक्ट है मॉस्किटो के बेसिकली मॉस्किटो नहीं हाउस फ्लाई सॉरी हाउस फ्लाई हाउस फ्लाई के केस में जो रिड्यूस्ड विंग होता है हाइंड विंग उसको हेल्टर्स बोलते हैं। Almost are present in Drosophila. It is also present in Drosophila. They are modified fruit fly बोलते हैं इसको. They are modified into miniature hind wings with distinct veins have a base. छोटा सा होता है बिल्कुल. And bearing a stalk ending in the knob-like capitellum. It forms a small knob-like capitellum. I will just show you the this knob-like capitellum. इस तरह से होता है. बस इस तरह के होता है. This is a structure of halter. ठीक है. हम लोगों को कई बार निकाला भी है ये. इसकी स्लाइड भी बनाई है, कई बार हो जाता था ये, तो आप लोग भी प्रैक्टिकल्स में टाइम मिलेगा तो वी विल ट्राई, एक एक मक्खी लेके आओगे तो देन यू विल मेक दिस स्लाइड ऑफ दिस वन। देन वी विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट, द हेल्टर्स आर सपोज टू एच, तो ये द प्रिंसिपल सेंसरी स्ट्रक्चर द स्केविलम, द हेल्टर्स आर सपोज टू एच गायरोस्कोपिक ऑर्गन, इनको एक गायरोस्कोपिक ऑर्गन्स की तरह जो है मतलब गायरोस्कोपिक ऑर्गन्स की तरह बिहेव करते हैं। अब आप कहोगे ये हेल्टर गायरोस्कोपिक ऑर्गन्स क्या है, आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, बैलेंसिंग में काम करता है, मक्खी को जो बैलेंस करने का काम करता है ये आपका क्या करे गायरो मतलब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्ड है, तो द फंक्शन ऑफ दिस हेल्टर इज बैलेंसिंग, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, फंक्शन ऑफ हेल्टर इज बैलेंसिंग। The helters and califora contain the spistides. In case of the califora group, these helters contains a cordodontal organs. ठीक है, कैलीफोरा के केस में ये क्या रिटेन करता है, ये एक cordodontal organs को रिटेन करता है। बच्चों देखो ये चीजें बहुत ध्यान से आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि कल के दिन जब अभी हॉर्टिकल्चर एग्जाम्स के रिलेटेड ऐसे एग्जाम्स जब आते हैं तो उस केस में ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पर फॉर्मुलेट होते हैं या एंटोमोलॉजी से रिलेटेड आएंगे, तो यू शुड केयरफुल, आपको इसलिए काफी केयर से इन चीजों को पढ़ना है,
ठीक है, कॉर्ड और टोनल ऑर्गन्स, द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट इज यूजली रिड्यूस्ड, जो पहला सेगमेंट है ये रिड्यूस्ड है, एंड नंबर ऑफ सेगमेंट्स आर वेरिएबल इन डिफरेंट ग्रुप्स, देन वी विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इन केस ऑफ मस्का, मस्का के केस में मतलब जो है आपका हाउस प्लांट, 2 to 5 क्लियर, 6 to 10 फॉर्म दी, जो एब्डोमेन के सेगमेंट्स हैं कम से कम 9-10 बार सेगमेंट्स इनके उसमें होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ हाउस फ्लाई यू विल फाइंड आउट 2 से 5 आपको क्लियर एब्डोमिनल सेगमेंट मिलेंगे, इसी में आपको 6 से 10 मिलेंगे। जो 6 से 10 वाले सेगमेंट्स हैं मस्का के केस में आप देखोगे तो हाउस फ्लाई में 2 से 5 तक के सेगमेंट्स को आप पहचान सकते हो, लेकिन 6 से लेके जो 10th तक के सेगमेंट्स हैं दे फॉर्म द ओविपोजिटर। ओविपोजिटर का काम क्या होता है, डीजे एग लेइंग ऑर्गन, ठीक है, ये एग लेइंग ऑर्गन होता है, ये एग ले करता है। इन ट्राइपिलिट्स 2 to 13 ट्राइपिलिट्स के केस में 2 से 11 सेगमेंट, बट डिस्टिंक्ट इन साइक्लोराइपा द नंबर इज वेरिएबल। तो ये ओविपोजिटर को बनाने के लिए जो सेगमेंट्स हैं एब्डोमेन के दे आर ऑल्सो वेरिएबल इन दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर में ये भी आपको वेरिएशन मिलेगा। इन केस ऑफ फ्रूट फ्लाई, एक फ्रूट फ्लाई है यहाँ पर बैक्टोसेरा, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला को भी बोलते हैं, तो 11 सेगमेंट आर डिस्टिंक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन से बनता है। बैक्टोसेरा के केस में कौन सी ऐसी फ्रूट फ्लाई है जिसमें सारे के सारे एब्डोमिनल सेगमेंट्स आपके क्या बनते हैं, सारे डिस्टिंक्ट होते हैं, बिल्कुल क्लियरली दिख जाते हैं, तो योर आंसर इज दैट इज बैक्टोसेरा। यूजुअली 9 and 10 यूजुअली 9 and 10 सेगमेंट्स आर कर्व, मेल्स के केस में 9th और 10th सेगमेंट कर्व होगा एंड फॉर्म दी हाइपोपाइजियम, क्या बनाता है, एक हाइपोपाइजियम स्ट्रक्चर बनाता है, नाउ इट फॉर्म्स ए हाइपोपाइजियम लाइक स्ट्रक्चर, हाइपो मीन्स आपका हुआ छोटा, पाइजियम टेल के लिए वर्ड होता है, विद दी विद जेनाइटेलिया, जेनाइटेलिया के जो 9th to 11th सेगमेंट्स हैं मेल्स के केस में दे फॉर्म से हाइपोपाइजियम, ठीक है, विद दी जेनाइटेलिया, जेनाइटेलिया के साथ ये हाइपोपाइजियम लाइक स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। देन रेस्पिरेशन इज ट्रेकियल सिस्टम, ट्रेकियल सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, नॉर्मली देयर आर 2 to thoracic 8 2 से 8 there are two thoracic and 8 abdominal spiracles, 8 abdominal spiracles होते हैं, there are 8 abdominal spiracles और प्लीज 1 मिनट है, जस्ट आई एम चेंजिंग द लाइट के कनेक्शन को चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि वेट प्लीज जस्ट। वेट करो 1 सेकंड के लिए, मैं ये नेट का कनेक्शन ठीक करता हूँ। So we will resume to this one. The respiration is tracheal system respiration and there are 2 to thoracic, 2 thoracic or 8 abdominal spiracles are present and these spiracles are responsible for the process of respiration. Nervous system is highly modified. There being several variations between the fused ganglions, ventral nerve cord में जो गैंग्लियंस होंगे वो फ्यूज होंगे, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखिए फीमेल रिप्रोडक्शन इज पॉलीट्रॉपिक टाइप, ध्यान दीजिएगा, पॉलीट्रॉपिक टाइप मींस इट कंटेन्स मेनी ओवरियोल्स, एक ही जो है जो जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, दैट इज जस्ट लाइक दैट वन, तो नाउ दिस कंटेन्स मेनी ओवरियोल्स, जब ऐसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इट इज पॉलीट्रॉपिक, दैट मीन्स इट कंटेन्स मेनी ओवरियोल्स। इन लार्वी फोरस, इन लार्वी पेरस फॉर्म्स, जो लार्वी फोरस फॉर्म्स है ग्लोसिना, ये क्या करती है, स्लीपिंग सिकनेस करती है, बिकॉज इट इज अ कैरियर ऑफ ट्रिपैनोसोमा गैबियंस, ओनली अ सिंगल ओवरियोल इज प्रेजेंट, इसके केस ये मोनोट्रोपस है, ठीक है, मोनोट्रॉपिक है ये, केवल ग्लोसिना के केस में, ग्लोसिना के केस में यू विल फाइंड आउट ओनली वन ओवरियोल, और उनमें आपको क्या मिलता है, पॉलीट्रॉपिक ओवरियोल मिलता है, पॉलीट्रॉपिक ओवरियोल मिलता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। इन टेस्टिस द मेल्स आर पायरीफॉर्म्स, पायरीफॉर्म या ओवॉइड लाइक स्ट्रक्चर्स में टेस्टिस होते हैं, विच आर ऑफन पिगमेंटेड। Mycesis is a term is used to describe infestation of diphtherial larva in man and animal. Diphtherial larva का man में किस तरीके से ये now it doing some problems, infestation मतलब how it increase, कैसे ये increase करेगा और किस तरीके से
नाउ इट डिस्टर्ब्स टू द अदर थिंग्स, ऐसे ये और चीज़ों को डिस्टर्ब करेगा. हाउ इट इंक्रीज एंड हाउ इट कॉजेज द डिजीज एंड अदर थिंग्स, हाउ इज डिस्टर्ब, हाउ इट इट इज हार्मफुल फॉर देयर होस्ट, होस्ट के लिए कितना हार्मफुल है, कितना डैमेज किया, इन सब चीज़ों को दिस द मेजरमेंट्स ऑफ दीज थिंग्स एंड इंक्रीजिंग टू देयर नंबर, पैरासाइटिक नंबर, दैट इज ऑफ द इन्फेस्टेशन. इन्फेस्टेशन वर्ड इज यूज फॉर द पेस्ट, ध्यान दीजिएगा. इन्फेस्टेशन वर्ड इज बेसिकली यूज फॉर द पेस्ट एंड इन्फेक्शन वर्ड इज यूज फॉर द पैरासाइट्स. क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन्फेस्टेशन एंड इन्फेक्शन. तो इन्फेक्शन वर्ड इज यूज फॉर पैरासाइट्स एंड इन्फेस्टेशन वर्ड इज यूज फॉर पेस्ट. पेस्ट के द्वारा कितना, हाउ मच ह्यूमन बींग्स को जो मतलब इकोनॉमिक लॉस किया गया और किस तरीके से अपना नंबर इंक्रीज किया गया, दिस टर्म्स टेल्स दैट. तो माइसिस इज ए कॉमन टर्म विच इज यूज फॉर द इन्फेस्टेशन. नाउ आई थिंक दैट इट शुड बी सफिशेंट फॉर टूडे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेक यूर क्वेश्चन प्लीज. दीक्षा भट्ट के क्वेश्चन का जवाब हो गया. अरिस्टा, दे आर दी सेंसरी एंटीना एंड एंटीना आर सेंसरी स्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, थक करती है ब्लड को या दोनों? नहीं, केवल फीमेल सेलेक्ट करती है. क्वेश्चन सोनी भट्ट का क्वेश्चन है, केवल फीमेल जो होगी वह शक करेगी एनाफिलीज में, मेल नहीं करता है क्योंकि उसके माउथ पार्ट्स जो है उस तरह से बने नहीं होते हैं, और जो फीमेल के माउथ पार्ट्स होते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग के लिए बने होते हैं, और जो मेल होता है वह जो है केवल नेक्टर पर जीवित रहता है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनी भट्ट तुम्हारा आपका क्वेश्चन भी हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं, हाँ, फीमेल ब्लड ही क्यों शक करती है? सोनी भट्ट का नया क्वेश्चन, ब्लड इसलिए करती है क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन के लिए जो ह्यूमन ब्लड होता है उसमें केमिकल होता है और प्रोटीन होती है, स्पेसिफिकली प्रोटीन का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो प्रोटीन जो फर्टिलाइज करने के लिए एग्स को, इसके फर्टिलाइजेशन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है मॉस्किटोज को, इसलिए वो जो है शक करती है ब्लड को. एक कारण ये है इसका, और दूसरा इसका फूड हैबिट जो है, फूड सेकेंड फूड हैबिट. तीसरा क्वेश्चन जो है निशा प्रियंका का क्वेश्चन, इन्फेक्शन के साथ दूसरा क्या था जो सर पेस्ट के थ्रू होता है? इन्फेस्टेशन, ये था इन्फेस्टेशन. इन्फेस्टेशन वर्ड है ये. ओके निशा, आपका क्वेश्चन हो गया है. निशा प्रियंका दोनों का क्वेश्चन हो गया है. इसके अलावा कोई क्वेश्चंस और प्लीज? क्वेश्चंस नहीं है तो बताइए. नो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नहीं है आपके तो बोलिए कि नो क्वेश्चंस.